हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा जी लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2009 केमिस्ट्री पेपर वन। ठीक है, पेपर अगर हम बात करें 2009 की, तो पेपर ज्यादा टफ नहीं है, आसान है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर वन आपका फिजिकल केमिस्ट्री से है। क्या बोला गया है? गिवन द अबंडेंसेस ऑफ आइसोटोप्स, तो Fe के तीन आइसोटोप दिए गए हैं, 54, 56 और 57, उनके एटॉमिक मासेस हैं रेस्पेक्टिवली। और अबंडेंसेस अगर आप देखो तो 54 वाले की 5%, 56 की 90% और 57 की 5% अबंडेंस है। हमें बताना है कि यार इसका एटॉमिक मास Fe का कितना होगा। सिंपल सी बात है, हमें एवरेज लेना है। ठीक है, तो भाई अगर आपके मल्टीपल आइसोटोप्स, आपके बहुत सारे आइसोटोप हैं और उनकी अबंडेंसेस आपको दी हुई हैं कि भाई ये इतना परसेंट एग्जिस्ट करता है, ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, तो आप एक एवरेज निकाल दो, वही क्या होगा, आयरन का एटॉमिक मास होगा। तो कैसे निकालेंगे भाई? तो हम कह रहे हैं Fe का जो एवरेज आएगा एटॉमिक मास का, वही मानेंगे। तो क्या होगा भाई, 54 वाला कितना है, 5%, तो 54 इंटू 5 बाई 100 प्लस 56 वाला कितना है, 90 बाई 100 तो है, प्लस 57 इंटू 5। अगर आप ये करोगे बाई 100 तो है ही। ठीक है, चलिए अगर आप ये करोगे तो आपका आंसर बच्चों इजीली आ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, भाई 5 या 25 और 20, तो ये हो जाएगा 270 प्लस, यहां से अगर आप बात करोगे तो 069 से कितना हो जाएगा भाई, 54, 5 और 45 और 5 आप बोल दोगे, कितना हो गया भाई आपका 50 प्लस। इसका अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया 250 और 35 अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा 285। ठीक है, यहां से अगर हम निकालें तो कितना जाएगा भाई अपना, तो ये हो गया 5, 7, 4, 11, 11, वहां तो 5 ही था, 11, 8, 19, 1, 3, 3, 2, 5, 5, तो 5, 5, 9, 5, 100 वाला 20 लग जाएगा यहाँ पे, तो 5, 5.9। ठीक है, ये आप कहीं मिले तो ऑप्शन नंबर बी में आपको यही दिया हुआ है। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पे, बी। तो आसान क्वेश्चन था काफी। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, ये भी काफी आसान है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन। The term that corrects the attractive forces present in a real gas in Wonderwall equation is, अपने को पता है यार real gas की, ये हाँ भाई, जब अपन attractive forces और volume correction को जब लेते हैं तो हम कहते हैं P plus N square by V square into V minus NV equals NRT, और this term is for your attractive forces correction। तो क्या कौन है भाई जो attractive forces को correct कर रही है अपनी, कौन सी term है, plus N square by V square, और क्या आप पाएंगे option number B में आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमंग द इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आपके पास तीन चार इलेक्ट्रोलाइट दिए गए हैं, बेसिकली Na2SO4, CaCl2, एक एल्युमिनियम सल्फेट है, एक आपके पास अमोनियम क्लोराइड है। अब क्या बोल रहे हैं, अपने को Sb2S3 इसका जो सोल है उसको कोगुलेट कराना है। अगर आपको पता हो कि भाई Sb2S3 जो है, ये सल्फाइड जो है, ये आपका क्या है, नेगेटिव सोल है, तो ये नेगेटिव सोल है, लायोफोबिक सोल है। अब ये नेगेटिव सोल है, इसको अगर मुझे प्रेसिपिटेट कराना है, कोगुलेट कराना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, हमने कहा भाई ये है आपका नेगेटिव सोल, तो मुझे पॉजिटिव वाले से मतलब है, इलेक्ट्रोलाइट जो हम डाल रहे हैं इसको कोगुलेट कराने के लिए, मुझे उसके पॉजिटिव वाले आयन से मतलब है, क्योंकि वही तो नेगेटिव कोगुलेट करा पाएगा, प्लस माइनस मिलेंगे और वो प्रेसिपिटेट होने लगेंगे। तो अब जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा आपके आयन पे, वो उसकी क्या है, उसकी आप बोल सकते हैं कोगुलेट कराने की पावर उतनी ही ज्यादा होगी, और उसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू आपकी उतनी ही कम होगी। कई बार क्वेश्चन को फ्लोकुलेशन वैल्यू के टर्म में भी क्या है डाल देते हैं कि यार जिसकी जितनी कम, जिस इलेक्ट्रोलाइट की जितनी कम क्वांटिटी लग रही है आपको इस सोल को प्रेसिपिटेट कराने में, तो उसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होगी। मतलब जो जितना अच्छा होगा कोगुलेट कराने के लिए उसकी वैल्यू उतनी कम। अपने बताना है सबसे अच्छा कौन है, तो जिस पे चार्ज जितना ज्यादा है वो उतना ही अच्छा है। अगर आप चार्ज देखो तो सोडियम पे कितना हो जाएगा +1, कैल्शियम पे कितना हो जाएगा +2, एल्यूमिनियम पे कितना हो जाएगा +3, एक बचता है अमोनियम, उस पे कितना हो जाएगा आपका NH4 +1। तो सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है, +3 एल्यूमिनियम पे। सबसे अच्छे से कौन कोगुलेट करा पाएगा, मोस्ट इफेक्टिव कौन है कोगुलेशन में, वो हो जाएगा जो आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन एंड क्वालिटी प्रॉपर्टीज से है, हेनरी लोपे। तो बोल रहे हैं यार क्या बोल रहे हैं, इसको डायग्राम समझते हैं कि भाई ये मान लीजिए आपके पास है, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये आपके पास इस, ये वाटर है, ठीक है, वाटर कितने मोल बोल रहा है, ये 10 मोल्स, तो भाई वाटर के हैं 10 मोल्स, प्लस इसमें कुछ N2 भी क्या होगी, डिसॉल्व है N2। अच्छा, हमें नहीं पता उसके कितने मोल है, हमने मान लिया x मोल है, ठीक है, हमें वही निकालना है कि भाई 298 केल्विन पे
और बाहर में जब 5 एटमोस्फेयर प्रेशर है इसके ऊपर, तो कितनी N2 डिसॉल्व होगी इसमें। तो हैंडल ओम यूज करेंगे कि यार जो, अब मान लीजिए ये यहां पे है, ठीक है, तो यहां से जो प्रेशर इस सॉल्यूशन के ऊपर होगा, ठीक है, इसमें N2 का जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, वो किस पर डिपेंड करेगा? आप बोल सकते हैं कि यार कितना इसमें, इसमें कितना मोल फ्रैक्शन है N2 का, उस चीज पर डिपेंड करेगा कि यार यहां पे पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा, ठीक है। अब ऐसे समझिए कि यार अगर यहां पे N2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ने लगा तो क्या है, ये आपकी और डिसॉल्व ज्यादा हुई होगी, ठीक है, उस तरीके से समझ सकते हैं। और यहां पे जो कांस्टेंट हमारे यूज में आएगा वो क्या आएगा, आपका हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने कहा भाई, क्या बोल रहे हैं हम, हमने कहा कि भाई पार्शियल प्रेशर जो होगा आपका N2 का अबव द सॉल्यूशन, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अबव द सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इस सॉल्यूशन के ऊपर पता है मुझे कितना है N2 का पार्शियल प्रेशर? तो इन्होंने यार ये दिया हुआ टोटल प्रेशर 5 है और N2 का जो मोल फ्रैक्शन है एयर में तो वो क्या है रफली 80% है, 0.8 यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यार अब जितना उसका मोल फ्रैक्शन है, अगर आप सीधा सीधा लगाओ यार, अगर टोटल प्रेशर P है, अब गैसेस का मोल फ्रैक्शन जितना जितना होगा उसका पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो अगर आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन एयर, That would be equal to total pressure into mole fraction कितना हो जाएगा, और mole fraction कितना है भाई इसका 0.8, ये रहा, तो कितना आ गया ये 4 atmosphere, तो भाई 4 atmosphere है gaseous phase में N2 का pressure, तो हमने कहा ये हो गया 4 equals KH दिया हुआ 10 to the power 5 into mole fraction of N2 in solution वगैरह बात करोगे तो यहां से क्या पता लगा आपने को कि भाई x क्या आ गया अपना 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो ये आया है N2 का मोल फ्रैक्शन। अच्छा, लेकिन अगर आप देखो हमें निकालने क्या है, मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स भाई अगर आप देखो तो वाटर के मोल्स कितने हैं 10 मोल्स, यही दिया हुआ है क्या। अगर आप देखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 दैट आर डिसॉल्वड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर, अच्छा हाँ, तो ठीक है भाई 10 मोल्स जो है वाटर के हैं, और अगर आप देखो तो N2 का मोल फ्रैक्शन बहुत ही कम आया, कितना आया 10 टू द पावर माइनस 5 के ऑर्डर का है। आप बोल सकते हो कि यार x N2 वाटर में क्या होगा भाई, जो मोल्स होंगे N2 के डिवाइडेड बाय N2 के जो मोल्स होंगे प्लस जो वाटर के मोल्स होंगे यानी कि 10, ठीक है। अब क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है, अगर आप देख रहे हो भाई बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम है, मतलब क्या है अगर आप देखो तो N2 के मोल्स क्या है 10 के कंपैरिजन में बहुत कम रहे होंगे, 10 टू द पावर माइनस 5 के ऑर्डर का आ रहा है यार ये एक्सप्रेशन, तो मतलब आप N2 के इनको इग्नोर कर सकते हो 10 के कंपैरिजन में। तो आप क्या करोगे, यहां से 10 और ये दिया हुआ है कितना 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो यहां से मोल्स कितने आ गए इंटू 10 हो जाएगा सिंपली, तो ये आ गए 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल्स, इतने मोल्स आपके होंगे N2 के वाटर में, और ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए में। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, द रिएक्शन ऑफ P4 विद X लीड्स सेलेक्टिवली टू P4O6 द एक्सिस, तो अपन भाई P4 की X का रिएक्शन करवा रहे हैं, वो P4O6 चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखिए ड्राई है, ड्राई ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर आप O2 के साथ रिएक्शन करवा दोगे इस तरीके से तो आप भाई यहां पे ये मानोगे कि भाई आपके पास क्या एक्सेस ऑफ एयर है, और अगर वो रिएक्ट करेगी तो आपका क्या बनेगा भाई यहां P4O10 बनेगा ना कि P4O6, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 आपका बात करेंगे इसकी, क्या है देखिए अगर आपके पास एक्सेस है तो क्या है वो P4O10 जाकर रुक रहा है, अगर आप किसी तरीके से लिमिटेड एयर की सप्लाई कर दो, अब अगर N2 के साथ में तो आप मान सकते हो कि यार ऑप्शन क्या है यहाँ पे लिमिटेड है, तो आपको P4O6 यहाँ पे मिल जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर सी में बोल रहे हैं मोइस्ट O2, अगर भाई मोइस्ट O2 रही तो क्या बोल सकते हो आप कि आपको भाई H3PO3 आपको मिलेगा, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर आप देखो तो कितनी आ रही भाई इसकी 6 × 12/4 मतलब +3 आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे कितनी आ रही है +3, तो आपको H3PO3 मिलेगा ना कि आपको P4O6, तो ये भी आपको क्या है गलत है ना, बी हम बोल चुके हैं ऑलरेडी सही है, आप लिमिटेड ऑक्सीजन लोगे तो क्या होगा आपका P4O6 यहाँ पे बनेगा, अगर आप NaOH से करवाओगे तो भी नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि भाई NaOH क्या हो गया एक बेस हो गया, ये क्या है नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया एसिडिक हो गया, एसिड बेस रिएक्शन होगी सॉल्ट बन जाएगा, तो अपना केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा है बच्चों को ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 6 में आपसे पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो आप देखिए पहला वाला फिनोल है, दूसरा वाला फिनोल है, उसकी पैरा पोजीशन पे सीएल ग्रुप है, अच्छा तीसरा कार्बोक्सिलिक है, फिर कार्बोक्सिलिक की पैरा पोजीशन पे मिथाइल है, अपने ये बात पता है कि यार अगर आपको किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो क्या करो आप
कि भाई उसके एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाओ, बेसिकली उसका जो कॉन्जुगेट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाओ। कॉन्जुगेट जितना स्टेबल होगा आपका एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अब अपने एक बात पता है कि यार फिनोल से तो कार्बोक्सिलिक कहीं ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, तो 3, 4, 1, 2 से तो आगे ही रहेंगे। अगर मैं 1, 2 में कंपेरिजन करना चाहूं तो जब फिनोक्साइड बनेगा, ये बना इसका कॉन्जुगेट, तो पैरा पोजिशन पे जो क्लोरो है इसका माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम है, जिसकी वजह से ओवरऑल क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो ये जो है सेकंड वुड बी ग्रेटर देन फर्स्ट। इन दोनों में आप बात करोगे भाई कार्बोक्सिलेट बनाओगे आप, लेट्स से आपने इसमें कार्बोक्सिलेट बनाया तो कॉन्जुगेट बना पैरा पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप है जो कि एक प्लस आई देने वाला ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी नहीं है, हमें खींचनी है इससे, तो ये क्या करेगा, इसको अनस्टेबल करेगा। लेकिन हाँ, यही अगर ऑर्थो पे लग जाता तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की वजह से क्या होता, ये ज्यादा एसिडिक बन जाता। पैरा पे है तो उसकी वजह से क्या है, ये केवल अपना प्लस आई शो कर रहा होगा और इस एनायन को डिस्टेबलाइज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और रिड्यूस होगी। तो हमने कहा पहले पे होना चाहिए 3, फिर होना चाहिए 4। भाई 4 ज्यादा क्यों है 1 और 2 से, क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक फिनोल से तो ज्यादा ही रहेगा, चाहे उसमें ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो उसको अनस्टेबल बना रहे हैं, बट इट विल बी मोर एसिडिक देन फिनोल। ओके, तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, अमंग सेल्यूलोज पॉलीविनाइल क्लोराइड नायलॉन एंड नेचुरल रबर द पॉलीमर इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट। तो अपने बताना यार इन चारों में से किस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट होगा, सबसे बेकार किस में है। अच्छा यार देखो, अगर आप नेचुरल रबर, अगर मान लीजिए आप, हम सेल्यूलोज से शुरू करते हैं। सेल्यूलोज क्या है भाई, बीटा अपने ग्लूकोज के बीटा डी ग्लूकोज की हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स को आप जोड़ दोगे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो आपको मिलेगा क्या, सेल्यूलोज। अब अगर आप ग्लूकोज की एक यूनिट को देखो, देखिए तो हमने कहा यार पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, केवल एक आइडिया लेना चाह रहे हैं कि यार OH, CH2OH, ब्ला ब्ला, ठीक है, फिर ये अपना क्या है किसी और यूनिट से ऐसे जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, ये जो OH है, ये जो OH है, यहाँ पे जो CH2OH है, भाई ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं ना यार दूसरी यूनिट के साथ, तो जिसकी वजह से क्या है, इसके अंदर अगर आप देखो तो इसमें क्या है, कौन से फोर्सेस हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ऑब्वियसली इसमें अच्छे खासे हैं। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, आप बाकियों में देखोगे तो समझ जाओगे। तो इसमें हमने कहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अभी के लिए लिख लेते हैं, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा पॉलीविनाइल क्लोराइड की आप बात करोगे तो भाई आपका सी डबल बॉन्ड सी, ये क्लोराइड ये इसका मोनोमर है, और अगर आप इसकी एन यूनिट्स जोड़ोगे तो सी पे सी एल, इस तरीके से क्या है आपकी एन यूनिट्स आएंगी। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें Cl और C के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसकी वजह से क्या है, डायपोल मोमेंट यहाँ बिल्कुल जो है जनरेट होगी, तो डायपोल फोर्सेस यहाँ पे होंगे। हमने कहा यहाँ पे क्या है भाई, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल समझ लीजिए आप, यहाँ पे डायपोल है। नायलॉन, अब नायलॉन बताया नहीं कौन सा है, मान लीजिए आप नायलॉन 6C लेते हो, ठीक है, तो हमने कहा यार कैप्रोलेक्टम का हाइड्रोलिसिस करोगे आपको नायलॉन 6 मिलेगा, और कैप्रोलेक्टम का हाइड्रोलिसिस मतलब C डबल बॉन्ड OH NH और आपका फिर यहाँ पे CH2 की 5 यूनिट्स NH2, फिर ये अटैक मारेगा दूसरे कार्बोक्सिलिक पे, इस पे कोई दूसरा NH2 अटैक मार रहा होगा दूसरी यूनिट का, इस तरीके से आपके क्या है अमाइड्स बनते जाएंगे, कंडेंसेशन होता जाएगा, आपका एक पॉलीमर बन जाएगा नायलॉन 6। अच्छी बात है, तो यहां पे भी मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि यार मान लीजिए इसने NC डबल बॉन्ड OCH2 5 फिर NH, इस तरीके से क्या है ये चलता रहेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, यहां पे भी भाई डायपोल फोर्सेस तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन है आपका कंपाउंड में, नाइट्रोजन है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, आप बोल सकते हो अमाइड्स हैं, एक एच इसका ये है यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो कर सकता है, तो इसके भी आप बोल सकते हो नायलॉन में भी मैं लिख सकता हूँ भाई एच बॉन्डिंग है ना, इस टाइप का है। नेचुरल रबर, आपको इतनी डिटेल जाने की जरूरत भी नहीं है, आप देखोगे नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर, हमने कहा भाई 2-methyl-butyl-1,3-diene ये रहा, ये है इसके यूनिट्स आप जोड़ोगे हाँ, तो इसका एक इधर लाइए, इसका एक इधर ले जाइए, सिमिलरली एक इधर एक इधर, और यहां से आप जो बनाओगे तो ये आप कुछ इस तरीके का बनाओगे, ठीक। यहां पे आपके पास क्या है, सारे के सारे कार्बन है, ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन है, तो
इसमें आपको क्या है, ऐसा कुछ इलेक्ट्रोमेट्रिक डिफेंस वगैरह कुछ ज्यादा है नहीं, तो इसमें डायपोल फोर्सेस आपके नहीं रहेंगे। तो सबसे वीकेस्ट इलास्टोमर है इसके नेचुरल रबर, तो सबसे वीकेस्ट फोर्सेस किसमें रहेंगे बच्चों, नेचुरल रबर में रहेंगे, और आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा। बाकी सब आप देख लो डायपोल फोर्सेस तो है, डायपोल इंड्यूस डायपोल टाइप बाकियों में ही, लेकिन इसमें क्या है ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बेकार इसमें केवल वन डबल फोर्सेस रहेंगे, तो नेचुरल रबर हैज द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, काफी आसान है। तो आपके पास एक बेंजीन है, तीन डुप लगाए हैं, एक OH है, एक साइनो है, एक BR है। अच्छा, अब लोवेस्ट लोकेंट पे जाने से पहले हम देखेंगे यार प्रायोरिटी में कौन आगे है। तो अगर आप देखो साइनो जो है वो आपके OH से आगे है, तो मतलब मुझे 1 तो यहां से शुरू करना है, ठीक है, 1 यहां से शुरू करूंगा मैं बेसिकली साइनो जिस कार्बन से जुड़ा है वहां से, क्योंकि इधर तो बाहर में तो कोई चेन मेरे पास है नहीं ऐसी कुछ, तो मैंने कहा 1 यहां पे आएगा। अब 2 कहां पे जाएगा, मान लीजिए एक दफा के लिए मैं 2 इधर चला गया, 1 3 4 5 6, तो मैंने कहा लोकेंट का सेट क्या है मेरे पास, 1 3 6, अगर मैं इधर जाता तो 1 2, तो मेरे पास आता 1 2 3 4 5, 1 2 5, तो 1 1 सेम है, 3 2, कौन जीत गया, 2 वाला जीत गया। तो पहले लोवेस्ट सेट जो मिलेगा वही क्या है बच्चों, विजेता है, तो उसी के नंबर, उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 5 वाला होना चाहिए था, मतलब 2 पे ब्रोमो आना चाहिए था, 5 पे हाइड्रोक्सी आना चाहिए, और 1 पे ये CN आना चाहिए। तो आप अगर देखोगे तो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल आपको ऑप्शन नंबर भी दिया हुआ है। अब जरूरी नहीं हो बेंजोनाइट्राइल देता, हो सकता है बेंजीन कार्बोनाइट्राइल भी दे सकता था, ठीक है, दोनों मिल सकते हैं, ठीक है, या तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बोल लीजिए, या फिर इसको बेंजोनाइट्राइल बोल लीजिए, जैसे बेंजामाइड बोल देते हैं, या बेंजीन कार्बोक्सामाइड बोल सकते हो उस तरीके से, ठीक है, बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, उस टाइप का सीन है। तो 2 पे ब्रोमो 5 पे हाइड्रोक्सी, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों सेक्शन 1 हमारा यहां पे समाप्त होता है, चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स आर, सॉलिड स्टेट्स है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो पहला बात पूछा गया है फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट में, ये बोल रहे हैं शॉटकी डिफेक्ट जो है, शॉटकी डिफेक्ट ऑप्शन नंबर डी देखिए, हैव नो इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। भाई हमें पता है शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, आपके कैटायन एनायन, भाई ये एक स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है जिसकी वजह से क्या है आपके कैटायन मिसिंग हो रहे हैं, तो एनायन भी क्या है उसके साथ निकल जाते हैं, तो वो आपके लैटिस को छोड़ के चले गए हैं। तो अगर लैटिस में से ही यूनिट्स मतलब आयंस आपके कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज, स्पेस उतना ही है और मास कम हो रहा है, तो क्या होगा भाई आपका वॉल्यूम उतना ही, मास कम हो रहा है, तो आपकी डेंसिटी जो होगी वो उस लैटिस की डिक्रीज कर जाएगी। तो ये कहना गलत है कि इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन योर फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो इट हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली डेंसिटी इज गोना डिक्रीज इन केस ऑफ शॉटकी डिफेक्ट, सो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। अब चलते हैं फ्रेंकल की तरफ, अपने पता है शॉटकी का होता है, शॉटकी तब होता है जब मान लीजिए आपके पास जो एनायन और कैटायन है उनके साइज में कुछ ज्यादा खासा डिफरेंस नहीं है, कंपेयरेबल साइज के अगर आपके एनायन कैटायन है तब आपका शॉटकी इफेक्ट होता है। फ्रेंकल में क्या है, अगर आपके कैटायन एनायन में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है उनके साइज में, एनायन का साइज बहुत बड़ा है कैटायन के रिस्पेक्ट में, तब अपने को देखने को मिलता है फ्रेंकल डिफेक्ट। और फ्रेंकल में समझने के लिए मैंने आपको पहले बताया, ऐसे याद कर सकते हैं कि फ्रेंकल मतलब अंकल के घर, तो वो बेसिकली आपका एनायन मिसप्लेस होकर क्या है वो साइड में चला गया है, वो लैटिस को छोड़ के नहीं गया है, वो केवल साइड में चला गया है, तो आपकी डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगी, ध्यान रखना, केवल वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है क्योंकि वो अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह चला गया है, ठीक है, लेकिन लैटिस छोड़ के नहीं गया है, तो डेंसिटी इज गोना रिमेन सेम, ठीक है। लेकिन कब होता है, जब आपके उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है, और हमने एक बात की थी कि भाई आपका AGBR ऐसा है जो दोनों में मिलता है, अच्छा जिसमें दोनों डिफेक्ट मिलते हैं, तो हमने कहा यार फ्रेंकल इन्होंने दिया हुआ है स्मॉल साइज इन कैटायन एंड एनायन डिफरेंस, गलत है, लार्ज डिफरेंस होता है, तो ए भी गलत है। अब बचते हैं 2, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंकल से डिसलोकेशन डिफेक्ट, बिल्कुल डिसलोकेट हो गया कहीं और चला गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लैटिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। अच्छा एफ सेंटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए सेंटर में क्या होता है ना कि भाई इलेक्ट्रॉन आपकी एनायनिक वैकेंसीज को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो कलर इंपार्ट करता है आपका स्ट्रक्चर। तो जैसे मान लीजिए अगर आप NaCl को हीट करोगे, अगर आप Na के वेपर्स के साथ, सोडियम के वेपर्स के साथ अगर आप NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हीट करोगे, तो क्या होगा आपकी जो Na है वो सरफेस पे जाके जमा हो जाएगा Na वेपर्स, और Cl- फिर क्या है आपके लैटिस वाली खुद की पोजीशन छोड़ के वो सरफेस पे आएगा और वो Na एक इलेक्ट्रॉन देगा, Na+ बनाएगा, और Na+ और Cl- मिलकर NaCl अपना निकल जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब आपका Na जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के Na एक Na जो Na+ बना है उससे जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है वो एक इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, जो Cl- निकला है अपनी पोजीशन से और NaCl बन के जो गया है, तो भाई Cl- निकला ना क्रिस्टल से यार, तो उसकी जो वैकेंसी क्रिएटिव वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिसकी वजह से क्या है अगर आप देखो तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब इसकी वजह से आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो कलर इंपार्ट करता है। और जैसे आपका मान लीजिए
आपके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई केसीएल, एलआईसीएल, एनएसीएल, एनएसीएल में आपका येलो कलर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसे ही एलआईसीएल में पिंक देखने को मिलता है, इस तरह से कि आपको कलर्स भी पूछे जा सकते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लैटिस, इन्होंने एनआईएनएस भी बोला है, वो पढ़ लेते हैं एक बार। ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेंटर, बात सही है ना, तो एनआयनिक वैकेंसीज में क्या ऑक्यूपाई करता है वो, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से बच्चों आपके यहाँ पे इस क्वेश्चन के, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। तो सेक्शन टू का पहला क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद, जो कि मैं थ्योरेटिकल था, सॉलिड स्टेट से हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन 10 की तरफ, जो है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आसान क्वेश्चन है, अपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो भाई कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है, पहला देखिए प्लेटिनम EN, तो इथिलीन डायमीन एंड Cl2, तो अपना क्या टेट्रा कोऑर्डिनेट है, बेसिकली स्क्वायर प्लेनर है, अगर आप देखो तो PT, आपने ये बात बताया कि यार जो EN है, इथिलीन डायमीन जो आपका ये है, इसको आप ऐसा नहीं कर सकते भाई, इथिलीन डायमीन क्या है पहले वो देख लेते हैं, तो इथिलीन डायमीन ये रहा अपना NH2, यहां पे एक लोन पेयर है, यहां पे एक लोन पेयर है, कुछ इस तरीके से डोनेट करेगा, ये ट्रांसपोजिशन पे नहीं हो सकता, ठीक है, है ना, ट्रांस पे नहीं हो सकता, मतलब EN को कहां होना पड़ेगा, इस पोजीशन पे होना पड़ेगा, अगर EN इस पोजीशन पे रहेगा, ठीक है, तो अब क्या बचा आपकी, ये दो पोजीशन बची हैं, तो मतलब Cl यहां होगा, Cl यहां होगा, अब EN को आप यहां रखो या यहां रखो या यहां रखो, एडजेसेंट पे ही होगा, ट्रांस पे नहीं जा सकता, विच मींस Cl हमेशा सिस ही रहेंगे, तो ये कोई ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं कर पाएगा। अच्छा अगली बात देखिए, अब इन्होंने EN ट्वाइस कर दिया है, तो सीधा, ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अभी क्या है, इन्होंने क्या कर दिया ऑप्शन नंबर टू में, ये लो आपको जिस तरह का है, तो ये कहां से जी आई शो करेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये का मतलब है CH2 बीच में दो यूनिट CH2 की, और एक NH2 यहां से अपना लोन पे डोनेट कर रहा है, और एक N यहां से, ठीक है, तो उस तरीके से क्या है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और इस तरह से अपना क्या है, बी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि सिस ट्रांस क्या मतलब है, यहां पे सिस ट्रांस कुछ होगा ही नहीं। अच्छा अगला देखते हैं सी, सी में क्या है, इथिलीन डायमीन के दो हैं और Cl2 है, हाँ अब ये शो कर सकता है, क्यों, क्योंकि भाई ये रहा PT, अब ये हेक्सा कोऑर्डिनेट है, तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए EN मैंने एक यहां रखा, दूसरा EN यहां रखा, है ना, सिस पोजीशन पे, तो एक Cl यहां हुआ, एक Cl यहां, इसमें Cl क्या है आप देखो अगर, तो वो सिस पोजीशन पे है, या मैं क्या कर सकता था, मैं ये भी तो कर सकता था, ये इस तरह से प्लेटिनम है आपका, एक EN को यहां रख दीजिए, एक EN को यहां रख दीजिए, एक Cl यहां लीजिए, एक Cl यहां, ये ट्रांस हो गया, तो जी आई शो कर पा रहा है। अच्छा लास्ट देखिए NH3 ट्वाइस Cl2, जब EN था उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उसकी जो दो दो N है जो अपना लोन पे डोनेट कर रहे हैं, जो डेंटिसिटी शो कर रहे हैं, वो ट्रांस नहीं बन सकते थे, यहां दो NH3 हैं, दो Cl हैं, तो PT हो सकता है एक बार NH3 ऐसे हो यानी कि सिस हो, या फिर NH3 कैसे हो जाए, इसमें आपके ट्रांस भी हो सकते हैं, ये रहा NH3 ये लीजिए ट्रांस, तो Cl भी ट्रांस हो गए, ठीक है, तो क्या है अपना ये भी जी आई शो कर सकता है, तो डी भी शो करेगा, तो आपका सी ऑप्शन जो है बच्चों ये भी जी आई शो करेगा, और आपका डी ऑप्शन जो है ये भी जी आई शो करेगा, तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो होंगे सी एंड डी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, द कंपाउंड्स अपॉन कंपाउंड फॉर्मड अपॉन कंबशन ऑफ सोडियम मेटल इन एक्सेस एयर आर, तो बेसिकली क्या है, सोडियम की हम एक्सेस एयर से रिएक्शन करवा रहे हैं, और बोल रहे हैं कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, सीधा एनसीईआरटी से उठाए हुए, अगर आपको याद हो कि भाई अल्कली वालों की अगर आप रिएक्शन करवाते हो, है ना, उनके ऑक्साइड जब आप बनाते हो, तो हम बोलते हैं लिथियम जो है वो आपका ऑक्साइड बनाता है, अगर आप बात करो सोडियम की तो वो अपना ऑक्साइड और परऑक्साइड दोनों बनाता है, ठीक है, और आपके जो बाकी वाले बचे पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वो सब क्या आपके सुपरऑक्साइड बनाते हैं। अब बात आती है कि ऐसा क्यों है, ठीक है, अगर आप देखा जो लिथियम है Li प्लस क्या उसका साइज छोटा है काफी लिथियम का, और प्लस चार्ज उस पे क्या है चार्ज डेंसिटी उस प्लस की बहुत ज्यादा हो गई, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है उसका साइज बहुत छोटा है। अब जैसे ही सबसे पहले क्या होगा, बेसिकली मान लीजिए पहले आपका भाई ऑक्साइड बना, ठीक है, लिथियम प्लस ये आपका O2 माइनस ऑक्साइड बना, ऑक्साइड के बाद अगर ये मान लीजिए दोबारा ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाता है, ठीक है, तो ऑक्साइड के बाद आपका परऑक्साइड बनेगा, फिर आपका सुपरऑक्साइड बनेगा। अब समझना कि लिथियम का साइज बहुत छोटा है, ठीक है,
तो चार्ज जैसे ही ऑक्साइड बनाएगा तो वो ऑक्साइड की जो भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपना साइज छोटाने की वजह से वो अपनी तरफ खींच के रखेगा ना, बहुत ज्यादा छोटा है तो वो वहां पे आप बोल सकते हो उनके फॉर्मेशन की वजह से रिलीज एनर्जी काफी ज्यादा होगी और ये अच्छा क्योंकि दोनों का साइज कंपेरेबल है तो ऑक्साइड के साथ उसका अच्छा बॉन्ड बनेगा तो ये जनरली अपना ऑक्साइड बनाता है और ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ही रखेगा, ये इसको अलाउ नहीं करेगा कि ये दोबारा जो है परऑक्साइड या फिर सुपर ऑक्साइड बनाए, ये केवल ऑक्साइड तक ही लिमिटेड उसको कर देगा। तो इसलिए केवल लिथियम के अपने केवल ऑक्साइड मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप जो डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपका साइज भी बड़ा हो रहा है तो फिर वो उतना रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा उसको और आगे कंपाउंड बनाने के से रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा तो आपको फिर नीचे जाते रहे सुपर ऑक्साइड तक देखने को आपको मिलते हैं। तो हमने कहा भाई तो इसलिए लिथियम का केवल ऑक्साइड मिलता है, सोडियम की आप बात करोगे तो उसके ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड दोनों सॉरी ऑक्साइड और परऑक्साइड दोनों मिलते हैं। वैसे जेई ने क्या है दोनों ही आंसर सही माने, अगर आपने केवल परऑक्साइड टिक किया है तो भी ठीक है और इफ यू हैव टिक्ड बोथ परऑक्साइड एज वेल एज ऑक्साइड देन आल्सो यू विल गेट द फुल मार्क्स राइट। तो 11 में जेई ने ए भी माना है, ओनली ए और ए एंड बी बोथ ऑफ दिस ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा भाई आपका ए एंड बी और ए, ठीक है। अगर और नीचे जाओगे आप इसी में ग्रुप में तो क्या है आपका मिलने लगेंगे सुपर ऑक्साइड आपको वहां पे मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टीरियोआइसोमेरिज्म काफी प्यारा क्वेश्चन है, तो देखिए क्या पूछा गया है, ठीक है। वैसे तो बच्चों का क्वेश्चन काफी आसान लगता है लेकिन जब फर्स्ट टाइम आया होगा तो सोचिए आप काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द कंपाउंड, कंपाउंड क्या है भाई आपके पास ये है कुछ, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या है भाई ये इस कार्बन पे एक H है एक OH है एक CH3 है, सिमिलरली इधर भी एक कार्बन है जिसपे H OH CH3 है और उन दोनों के बीच में एक C डबल बॉन्ड C है बेसिकली, तो इसके अबाउट सिस ट्रांस शो हो सकता है और यहाँ पे क्योंकि इस पे चार ग्रुप अलग अलग हो गए तो ये RS शो कर सकता है ये भी RS, लेकिन आप देखिए इसके अबाउट सिमेट्री बन सकती है कंपाउंड में। अब क्या पूछा गया है कि भाई टोटल कितने स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल हैं, फिर क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए अगर बीच वाला जो डबल बॉन्ड है ये एक डबल बॉन्ड है अगर उसके अबाउट आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस हो जाती है तो कितने स्टीरियोआइसोमर होंगे, फिर इसके अगर ट्रांस जाती है इनांशियोमर कितने होंगे और अगर ट्रांस हो गई तो कितने इनांशियोमर होंगे, टोटल डाइस्टीरियोमर्स कितने पॉसिबल है, कुछ इस तरह की तमाम बातें पूछ रखी हैं। देखिए कैसे करेंगे कि भाई मान लो ये हो गया आर और इसके अबाउट हो गई सिस, आपने केस बना बना के चलना है तो पहले मैंने कहा यार पहले सिस बना लेते हैं बीच वाले के अबाउट, तो मैंने कहा मान लीजिए जो आपका बीच में है उसके अबाउट सिस हो गई, सिस हो गई मतलब दोनों एक तरफ जाएंगे वेरी गुड। अब मैं क्या बोल रहा हूं मान लो भाई जो आपका ये कार्बन है इस पे हो गई आर, ठीक है। अब अपने को एग्जैक्टली पता नहीं आर कैसे होगी लेकिन मान लेते हैं आर कुछ हो सकता है, ये आपका एस आ रहा हो, मेरा कहने का मतलब है कि आर या एस कुछ हो गई मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स अज्यूम दिस इज आर, ठीक है। आपका एक एच है एक OH है एक CH3 है, ठीक है। अगर आपका ये R है और हम बोल रहे कि मान लीजिए अब तो हमने इसके अबाउट पहले सिस फिक्स कर दी, हमने फिर इसको R बोल दिया, अब ये क्या हो सकता है कि भाई ये जब आपका मान लीजिए ये एक तो हो जाए S, तो अगर ये R है और ये S है तो भाई उस केस में आपको क्या मिलेगी यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी क्योंकि R की मिरर इमेज होगी S, ठीक है। OH नीचे था इधर भी नीचे है, H जिधर है उधर ही होगा आपका, CH3 आपका ऊपर की साइड था आउट ऑफ द प्लेन, वो आउट ऑफ द प्लेन है, यहाँ पे सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री है तो वो भी सिमेट्री आ रही है, तो जब सिस के अबाउट अगर RS हुए तो वहां पे आपको क्या मिलेगा इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी और क्योंकि आपको POS मिल गई मतलब ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा बच्चों इनएक्टिव हो जाएगा, तो इसका कोई हम है ना इनांशियोमर यहाँ पे नहीं होगा। अब दूसरा क्या पॉसिबल है कि भाई अगर सी डबल बॉन्ड सी हो सिस ही है लेकिन अगर ये R है तो ये S है, ठीक है। नहीं ये R है तो S तो हमने ले लिया तो ये भी R है, ठीक है। अब अगर ये R है तो मतलब इधर आपको मेरा इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मान लीजिए मैं कुछ भी लगा देता हूं OH H और CH3 तो ये इसकी मेरा इमेज नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब दोनों आ रहे हैं मिरर इमेज आपको नहीं मिल रही है, ये मत सोचना सी से तो मिरर इमेज मिलेगी मिलेगी, आर की एस होनी चाहिए थी लेकिन आर की जगह आर ही मिल रहा है, तो ये होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होगा मतलब इसका एक इनांशियोमर भी होगा, इनांशियोमर कौन सा होगा। अब भाई जब आप इसकी इनांशियोमर मतलब इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज लोगे तो जो आर है वो तो एस बन जाएगा, तो पहला केस क्या था अपना आर सिस एस सिस, पहला केस अपना था एस सिस आर, दूसरा केस क्या हो गया आर सिस
आर, और जब इसकी मिरर इमेज लोगे तो भाई आर का हो जाएगा एस, लेकिन सिस का ट्रांस मत कर देना, सिस का सिस ही रहेगा आर, समझ रहे हो ना। अगर कोई चीज ऐसी है तो मिरर में ऐसी दिखेगी ना यार, ट्रांस थोड़ी बन जाएगी। तो आर सिस आर का एक अपना हो गया, आर सिस आर का हो जाएगा बच्चों एस, ठीक है, सिस का रहेगा सिस, तो ये हो गया। तो अब ये मत सोचना कि भाई सर आपने इसको आर लिया था क्या इसको एस करके ले, ये सिमेट्रिक है, समझे हो। तो ये आर हो या ये एस वो आर हो, वो एक ही आपकी बात है, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा यार एक केस तो ये बन गया, उसके अलावा आप समझना अब क्या कर रहे हैं हम, अब इसको लेते हैं ट्रांस, तो ये तो हो गए सिस में। ट्रांस में भी क्या होगा, जैसे मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी, एक तो ये हो जाए मान लीजिए आर, तो एच ओ एच सी एच थ्री, एक तो ये हो जाए आपका आर, ठीक है। और इधर में हो जाए ये आपका क्या हो जाए, मान लीजिए भाई ये हो जाए एस, ओ एच इधर है, तो आपको करना पड़ेगा एक मिनट, तो आपका ओ एच रहेगा इधर, एच रहेगा इधर, और सी एस थ्री रहेगा नीचू, वेरी गुड, ठीक है। तो वो आ रहे तो हमने इसको एस किया, अब क्या होगा, तो इसमें आपको बच्चों क्या मिल जाएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि आप बना के देख लेना आर की है, तो आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें मिलेगी। तो एच आपका इधर है, इधर गए तो एच मिल गया 180 पे, ओ एच आपका इधर ऊपर है तो नीचे में गए तो ओ एच मिल गया, सी एस थ्री ऊपर है तो नीचे में गए तो सी एस थ्री मिल गया। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। कब मिल रही सेंटर ऑफ सिमेट्री, जब आपका आर ये उधर एस वन रखा है, एस ले लेते हैं, एस ट्रांस आर है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसका कोई इनांशियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा केस जब हम बनाएंगे, फोर्थ जो बचता है वो क्या होगा भाई अपना, जब आपका मान लीजिए एस ट्रांस एस हो, इस केस में ना पीओएस मिलेगी बच्चों ना सीओएस मिलेगी, और अगर दोनों ही नहीं मिलेंगी तो इसका इनांशियम भी एग्जिस्ट करेगा जो होगा आर ट्रांस आर, तो ये इसका इनांशियम भी होगा। अब अपन सारे ऑप्शन पढ़ते हैं, एक तो पहले ही स्टीरियो केमिस्ट्री वाले देख लेते हैं। इफ द स्टीरियो केमिस्ट्री अबाउट द डबल बॉन्ड इज ट्रांस, अगर ट्रांस है तो मुझे तीन मिले हैं, एक इनांशियोमेरिक पेयर है और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो क्या इनांशियोमर चार हैं जब ये ट्रांस है, नहीं टोटल चार है दो दो करके, लेकिन एक सिस में आया एक ट्रांस में आया, तो ये गलत है। व्हेन स्टीरियो केमिस्ट्री अबाउट द डबल बॉन्ड इज सिस देन द टोटल इनांशियोमर्स फॉर एक्स इज टू, हाँ ये बात सही है, क्योंकि जब वो आर सिस आर था तो एस सिस एस भी मिला था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इज 6 1 2 3 4 5 6, तो हमने कहा ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है। टोटल डायस्टीरियोमर्स इज 3, या डायस्टीरियो टोटल 3 नहीं है, एक बात समझना, अगर मान लो ये पहले वाला केस है आर सिस आर आर एस सिस आर, तो अगर सिस है तो ट्रांस वाले सारे इसके क्या होंगे डायस्टीरियोमर, क्यों, क्योंकि सिस की मिरर इमेज कभी भी ट्रांस नहीं हो सकती, और सिस ट्रांस तो डायस्टीरियोमर है ही, तो जब ये सिस वाला है तो एक ट्रांस वाला ये और एक इनांशियोमेरिक पेयर ये इसके डायस्टीरियोमर है। वो उसके बाद ऊपर से इसकी अगर आप बात करो तो भाई ये जो सिस वाले हैं मतलब आर एस की मिरर इमेज, भाई आर आर तो नहीं आ सकती ना, सिस की सिस रहेगी लेकिन आर आर तो नहीं आ सकती, इसकी एस की आर आ गई, इस आर की एस आनी चाहिए थी, तो ये भी इसकी मिरर इमेज है, फिर ये भी इसकी सॉरी, तो ये भी इसका डायस्टीरियोमर है, ये भी इसका डायस्टीरियोमर है ना। मैंने पहले वाले के रेस्पेक्ट में बात की है अब तक, तो पहले वाले के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है उसके लिए सारे ही डायस्टीरियोमर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो इसके लिए हुए, अगर आप और भी गिनना चाहो, जैसे मान लो ये आपस में फिर जो दूसरा पेयर है इनांशियोमेरिक पेयर, उसके लिए जो ट्रांस वाले हैं वो भी क्या है डायस्टीरियोमेरिक पेयर है, तो डायस्टीरियोमर आपके तीन नहीं है, आपके काफी ज्यादा डायस्टीरियोमर यहाँ पे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है बच्चों गलत होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन के हो गए आपके यहाँ पे, तो करेक्ट आपके हो गए ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। और इसी खुशी के साथ हमारा जो है सेक्शन टू समाप्त होता है, अब हम चलेंगे सेक्शन थ्री की तरफ जहां पे दो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आपके हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं सेक्शन थ्री का पहला क्वेश्चन देखिए, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और यार ये क्वेश्चन ऐसा है आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना, उस टाइप का थोड़ा सा। तो क्या बोला गया है, लंबा सा कॉम्प्रिहेंशन है, क्या बोल रहे हैं, पी अमीनो एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, तो बेसिकली पैरा पे अमीनो एन एन डाइमिथाइल एनिलीन है आपके पास, एंड दैट इज एडेड टू ए स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हमने एक एक्स था, कुछ हमें नहीं पता क्या था उस ना, उसमें X प्लस इसकी रिएक्शन एक एसिडिक सॉल्यूशन के साथ हमने करवाई। अब क्या बोल रहे हैं, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो भी बना दैट इज ट्रीटेड विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Y टू यील्ड ब्लू कलरेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू। तो हमने बेसिकली Y
प्लस एक्स का एसिडिक सॉल्यूशन प्लस पैरामीनो एन डाइमिथाइल एनिलीन की रिएक्शन करवाई हमने, और अपने पास एक इंटेंस ब्लू कलर बना ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू। तो अगर आपको याद हो तो ये सल्फाइड की टेस्टिंग के लिए काम में आता है, और अपने जो वाई है जिसकी ये बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले बात क्या कर रहे हैं कि भाई एक्स एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ एक्स लिया है हमने, तो ये सल्फाइड की बात कर रहे हैं, तो Na2S रहा होगा तो सल्फाइड है, और ये जिस वाई की बात कर रहे हैं वो वाई क्या रहा होगा, वो वाई अपना है बच्चों Fe+3। ठीक है, अपना बनता जो है मिथाइलिन ब्लू जो इन्होंने मेंशन किया है वो क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे NCH3CH3, यहाँ पे आपका SN डबल बॉन्ड, इसको अच्छा बनाते हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें ना कुछ ऐसे खास लॉजिक वॉजिक है नहीं, याद है तो अच्छी बात है। NCH3CH3+ आपका आ जाएगा Fe2+। तो ये है आपका मिथाइलिन ब्लू जिसके इंटेंस कलर की ये बात कर रहे हैं, मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, तो अपन ने इसकी रिएक्शन करवाई थी, सल्फाइड और एसिडिक सॉल्यूशन था Fe3+ के साथ, तो जो वाई है वो क्या है अपना Fe3+। तो यहां से वाई अपना Fe3+ से चला गया Fe2+ में रिड्यूस होके, और अपना ये जो कंपाउंड था यहां पे क्या हुआ, अगर आप देख पा रहे हो तो आपको यहां पे मिथाइलिन ब्लू मिल चुका है। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाई विद द रिएजेंट पोटेशियम हेक्साफेरोसाइनेट 2। ठीक है, तो Fe2+ वाले इससे इन्होंने रिएक्शन करवाई वाई की, और क्या बोल रहे हैं, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटेंस ब्लू प्रेसिपिटेट। भाई क्या बनेगा यहां पे, तो वाई अपने को पता लग गया भाई Fe+3 था, है ना, आप यहां से भी आइडिया लगा सकते थे, है ना, तो यहां मान लो आपको हिंट नहीं लग रही है तो आप यहां पता लगा सकते थे यार इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, इंटेंस ब्लू कलर बन रहा है पोटेशियम हेक्साफेरोसाइनेट के साथ, तो +3 +2 वाला, तो यहां पे क्या करवाई, ये 3 है, यहां पे क्या है 4 है, तो सीधी सी है, केवल एक्सचेंज करा दीजिए Fe4, बैलेंसिंग कर दीजिए Fe CN6 thrice। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 है 3 है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यस 4 इस पे आ जाएगा आपका और 3 आपका उस कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहे हैं हम, तो ये बना और ये अपना क्या है प्रेसिपिटेट जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये अपना ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट, ये अपना ब्लू प्रेसिपिटेट। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, द प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स ऑन एक्सेस एडिशन ऑफ द रिएजेंट। ठीक है, सिमिलरली क्या करवाया गया, अब भाई अगर अपन एक्सेस एडिशन कर देंगे तो ये क्या आपका डिसॉल्व हो जा रहा है दोबारा, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि अगर सिमिलरली अपन Fe3+ की ही रिएक्शन किसके साथ करवाए, वैसे इन्होंने बोला है वाई की, और वाई अपने पता है Fe3+ है, तो Fe3+ की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, पोटेशियम हेक्साफेरेट 3rd, इस बार 3 माइनस रखेंगे तो भाई Fe+3 आएगा, तो फेरेट 3rd वाले के साथ करवा रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, leads to a brown coloration due to formation of Z, तो यहां भी भाई exchange करवा दीजिए, तो exchange करवाओगे तो Fe3 FeCN6 thrice, और ये क्या है आपका ब्राउन कलर का है। ठीक है, ये इस precipitate की बात कर रहे हैं, तो जब हमने भाई ferret second वाले के साथ करवाई, भाई जब हमने क्या करवाई hexacyanoferrate 2 के साथ करवाई, तो ये और फेरेट 3rd के साथ करवाई, तो हमने को ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है। अब क्वेश्चंस पढ़िए क्या बोल रहा है, द कंपाउंड एक्स इज, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं भाई एक्स क्या था अपना सल्फाइड था, तो कुछ Na2S टाइप, और ये आपको मिल रहा है साफ साफ ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, बाकी ऑप्शन है आपके नाइट्रेट है, क्लोराइड है, सल्फेट है, लेकिन सल्फाइड के लिए है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, कंपाउंड वाई इज, वाई क्या है भाई Fe3+, तो FeCl3 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बोल रहे थे कंपाउंड जी जो ब्राउन कलर का आया है भाई, वो क्या हो जाएगा आपका, ये 3-3 तो हटाई दीजिए कोई मतलब नहीं है, तो Fe और कॉम्प्लेक्स के अंदर FeCN6, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सीधा थ्योरी बेस्ड था, तो ये अपना कॉम्प्रिहेंशन समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेक्शन 3 में दूसरा जो पैराग्राफ है वो वाला देखते हैं अपन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे, 16 17 एंड 18। तो पैराग्राफ क्या है कि यार आपके पास एक पी एक कंपाउंड है, वो क्या है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो एक बार क्वेश्चन को अपन क्या पढ़ लेते हैं, ए कार्बोनिल कंपाउंड पी विच गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट अंडरगोज रिएक्शन विद CH3MgBr followed by dehydration to give olefinic Q। तो यहाँ पे dehydration करवाया हमने, उसने olefinic Q दिया। ठीक है, और genolysis of Q leads to the formation of a compound R that is dicarbonyl।
अच्छा तो मतलब R जब Q का ओजोनोलिसिस होगा जो कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, तो R बनेगा जो क्या है, डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, एंड दैट पर्टिकुलर R अंडरगोज इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन टू गिव प्रेडोमिनेंटली S। तो वो क्या है भाई, आपको इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल दे रहा है। अच्छा अब आपको बात समझ नहीं, क्या डाइकार्बोनिल है R और वो इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल देना चाहिए। अब अपने को बताना है कि यार ये बता दो P क्या है। तो आपको इनफ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप पता लगा पाओ। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि पी जो भी है दैट गिव्स पॉजिटिव आइडियोफॉर्म टेस्ट। अगर आप देखो तो भाई यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपको सी टू एच फाइव लगा रखा है। आपको पॉजिटिव आइडियोफॉर्म के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए यार ऐसा कुछ, सी डबल बॉन्ड और सी एच थ्री, या तो आपको ऐसा मिले या फिर यहाँ पे ओ एच भी आ तो भी चल जाएगा, OH भी हुआ तो भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है C2H5, तो ये नहीं दे सकता पॉजिटिव आइडियोफॉर्म टेस्ट, ये भी नहीं दे सकता पॉजिटिव आइडियोफॉर्म टेस्ट। अब अगर ये आइडियोफॉर्म नहीं दे पाएंगे तो अपने पास दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। अच्छा अब क्या बोल रहा है, ठीक है भैया दोनों में करा के देख लेते हैं, ए में करा लेते हैं पहले। तो ए में अपन ने क्या करवाया, CH3MgBr विगनार्ड्स रिएक्शन करवाई, कार्बोनिल सेंटर है ना, 1,4 एडिशन कुछ नहीं होगा, सीधा 1,2 एडिशन होगा क्योंकि ये अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल होता है। हमने पढ़ा था हार्ड न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका हार्ट के साथ ही बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, और ये हम पढ़ चुके हैं किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिवीजन लेक्चर में। तो इस तरीके से CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड है, CH3 माइनस ग्रिगनार्ड आया, यहाँ पे अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट किए तो क्या बना, यहाँ पे कुछ इस तरह का था, यहाँ पे CH3, एक CH3 और आ गया, यहाँ पे O- आया, सॉल्यूशन से H+ ले लेगा, वैसे भी H+ H2O कर रखा है। फिर डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, हीट दिया, डिहाइड्रेशन करवाओगे ये OH H2O+ बनेगा, निकल जाएगा वाटर, अच्छा लिविंग ग्रुप, यहाँ पे प्लस आ गया जो कंजुगेशन में भी जा रहा है एज वेल एज 3 डिग्री भी है, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा स्टेबल है। अब यहां से क्या होगा, भाई यहां से क्या होगा, ये रिंग पे फ्रीडल क्राफ्ट, क्या रिंग पे क्या कर देगा भाई, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसको आप इधर लेके आइए, जैसे ही आप ऐसा करेंगे क्या बन जाएगा, ये लीजिए यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप, और इनको थोड़ा बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। जैसे ही आप इतना करोगे यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस चार्ज, ठीक है, जैसे ही आपका यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, तो क्या होगा भैया, आपका यहाँ पे जो एच है वो एच प्लस हटाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड दोबारा बन जाएगा, रिंग की एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। तो हमने कहा क्या होगा भाई, यहाँ पे आपका अगर आप देखो तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये बन चुका अपने पास, ठीक है। अच्छा अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका ओजोनोलिसिस करवाते, देख ध्यान देना, मान लेना है कि पी यही हो रहा है, यहां तक रिएक्शन होगी, डजंट मीन कि पी हैज टू बी दिस, है ना, पी कैन बी दिस आल्सो, क्योंकि इसमें क्या फर्क है, केवल यहां पे एक मिथाइल ग्रुप का फर्क है। अब वो मिथाइल क्या रोल प्ले करेगा वो आपको आगे जाके समझ में आएगा। हमने कहा यार क्यू बन गया, ये है क्यू, ठीक है, ओजोनोलिसिस अगर आप करवाओगे इसका तो क्या बनेगा भाई, ये बॉन्ड टूटेगा, तो ओजोनोलिसिस करवा लेते हैं, टूटेगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे आएगा सी एच ओ क्योंकि रिडक्टिव है, ऑक्सीडेट होता तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक बनता, फिर आपका एक इस तरीके से आया, दो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे और यहाँ पे सी एच ओ। अब क्या ये कंपाउंड, ये है अपना आर, अभी अजम्पशन चल रहा है भाई, अजम्पशन क्यों चल रहा है, क्योंकि अपने मान लिया है पी ए था, पी ए भी हो सकता है, तो हमने कहा यार आर ये आ गया, नाउ आर इज ए डाइकार्बोनिल कंपाउंड विच आर इज फाइन, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल क्या दे सकता है, अच्छा इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल के लिए आपको चाहिए यार एल्डोल है, मतलब आपको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, इसके पास तो है नहीं अल्फा, इसके पास भी नहीं है, क्यों, यहाँ पे दो मिथाइल आ गए, तो ये इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल नहीं दे सकता, विच मींस आवर इनिशियल अजम्पशन इज रॉन्ग, देन पी हैज टू बी दिस। अब उसके होने से क्या फर्क पड़ेगा वो समझना, जब वो होगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे मिथाइल था, यहाँ पे मिथाइल था, यहाँ पे मिथाइल था, यहाँ पे मिथाइल था, ठीक है ना भाई, हमने उस मिथाइल को हमने हर जगह बना दिया है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और जब आप इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो क्योंकि आपके पास भाई इधर मिथाइल है तो यहां पे कीटोन बनेगा, इधर तो आपका एल्डिहाइड बनेगा लेकिन यहां पे क्या बनेगा, कीटोन, तो यहां पे जो कार्बन है उस पे बनेगा कीटोन, इधर है एक मिथाइल ग्रुप, अब अल्फा हाइड्रोजन आ चुका है, तो मतलब अपना अजम्पशन सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा पी। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स क्यू एंड आर respectively R, तो Q and R बताने हैं, Q क्या है, ये है, R क्या है, ये है, और ये आपको आसानी से मिलेगा ऑप्शन नंबर A में, आप मैच करा सकते हो, ठीक है, चार ऑप्शन लिखने का मतलब नहीं है, अपन ने देख लिया स्टेप बाय स्टेप,
तो क्यू ये है, आर ये है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में मैच कर जाएगा। अगला क्या पूछा हुआ है, अब नेक्स्ट पूछा हुआ है द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट एस इज, तो भाई एस में क्या करवाना है अपने को, देखो यार OH माइनस हीट दिया मतलब पता लग रहा है एल्डोल करवा रहा है, एल्डोल करवाएगा तो कहां से होगा भाई, अपने पास अल्फा हाइड्रोजन का है यहां है तो ये CH2 बनेगा माइनस बनेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल सेंटर पे, तो इसको अच्छे से बनाते हैं, देखिए कितने मेंबर की रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6 वेरी गुड, कुछ 7 मेंबर जैसा भी नहीं है, तो हमने कहा 1 2 जो ये नीचे वाला है कार्बन उस पर 2 मिथाइल ग्रुप ये रहे, फिर अब नेक्स्ट पे चले उस पे क्या है सी डबल बॉन्ड हो, फिर उसके अगले पे चले जो अटैक मारेगा, अटैक किस पे मार रहा है ये सी एच ओ वाले, इस पे अटैक मारा इलेक्ट्रॉन गए ऊपर तो यहां से क्या बन गया, कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, वैसे हीट किया हुआ है तो क्या हो जाएगा, हीट किया हुआ है तो ये OH और H निकल जाएगा यहां से और डबल बॉन्ड आपका बनेगा, तो कुछ इस तरह का बनना चाहिए और आप पाओगे ये ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो वैसे ये आसान था लेकिन अच्छा था, अच्छा क्यों था क्योंकि आपको यहां पे अब यहां तक आपको पता नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है क्योंकि दोनों आपको फिजिबल ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, लेकिन जब बात आई कि यार इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कराने की तो ए नहीं करा पा रहा है बी करा पा रहा है, तो यहां से आपको आइडिया लग रहा है कि यार बी को होना पड़ेगा, ठीक है, तो उस मायने में देखे तो एक अच्छा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे अपना एक कॉम्प्रिहेंशन समाप्त होता है। अब हम चलते हैं बच्चों सेक्शन 4 की तरफ, जो अपने मैट्रिक्स मैच हैं और उसमें 2 मैट्रिक्स मैच है, एक है इनऑर्गेनिक का जो कि बहुत ही आसान है और एक है अपना ऑर्गेनिक का जो अगेन बहुत ही आसान है, दोनों बहुत ही थ्योरेटिकल टाइप के, वो दिमाग उनमें हमें नहीं लगाना है। तो बच्चों पहला मैट्रिक्स मैच देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कॉलम 1 में आपको दिए गए हैं कुछ कंपाउंड, जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल्स आपके पास B2N2O2-, बेसिकली आपके पास सुपर ऑक्साइड एंड O2, तो ये 4 मॉलिक्यूल आपके पास हैं। कॉलम 2 में आपको बोला गया भाई पैरामैग्नेटिक है या नहीं, अंडरगोज ऑक्सीडेशन और नॉट, तो क्या ये ऑक्सीडेशन अपना कर सकते हैं या नहीं, क्या ये रिडक्शन अपना खुद का कर सकते हैं या नहीं, रिड्यूस हो सकते हैं या नहीं बेसिकली, एंड बॉर्डर इनका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है या नहीं, मिक्सिंग ऑफ SNP होती है या नहीं, तो बहुत ही आसान है बच्चों कैसे करेंगे देखिए, तो पहले हम क्या करते हैं लेस देन इक्वल टू 14 और ग्रेटर देन इक्वल टू 14 वालों के लिए हम जो आपका MOT के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है जिस तरीके से भरते हैं हम है ना, ऑर्बिटल्स का जो फिलिंग का जो ऑर्डर है अपन वो एक बार देख लेते हैं, मान लीजिए लेस देन इक्वल टू 14 के लिए तो अपन बोलते हैं σ1s, σ antibonding 1s, σ2s, σ antibonding 2s, फिर अपना क्या जाएगा π2px और π2py, तो यहां पे जो आपकी sp मिक्सिंग होती है उसकी वजह से क्या है अगर आप देखो तो आपका जो π2px और π2py ये आपका आगे होगा किससे, σ2pz से, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा π antibonding 2px, π antibonding 2py और फिर आपका एंटीबॉन्डिंग वाला σ2pz। वैसे 14 तक ही है तो अपना काम यहीं तक हो जाएगा, लेकिन हमने को पता है लेस देन इक्वल टू 14 वालों में क्या है एसपी मिक्सिंग होती है, 14 के बाद वालों में एसपी मिक्सिंग नहीं होती है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, वहां पे आपका जो σ2pz है वो आपका इन पाई वालों से क्या रहेगा आगे रहेगा फिलिंग के ऑर्डर में, तो हमने कहा ये होगा लेस देन इक्वल टू 14, अगर आप ग्रेटर देन 14 के लिए बात करोगे σ1s, σ antibonding 1s, σ2s, σ antibonding 2s, फिर σ2pz, π2px, π2py, फिर आपका क्या जाएगा, फिर तो सेम ही है केवल उतना सा चेंज था π antibonding 2px, π antibonding 2py और σ antibonding 2pz। चलिए ये हो गया, अब हम कह रहे हैं तो पहले ये वाला खत्म कर लेते हैं पैरामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एसपी मिक्सिंग हमने भी बात किया, अगर लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसमें होती है वरना नहीं होती है, तो हमने कहा यार B2 में 10 है, N2 में 14 है, इसमें 16 है, इसमें 17 है, तो इसमें होगी इन दोनों में नहीं होगी, तो TT। नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, B2 में 10 है, 10 है तो 2 2 6 8 9 10, ये होगा आपका, तो 10 वालों के लिए क्या आएगा कुछ इस तरह का आएगा। यहां पे अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करो, बॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग कैंसिल हो गए, 2 बचे बॉन्डिंग में, तो 2/2 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 विच इज लेस देन 2, तो भाई ये तो नहीं है, N2 में 14 है और 14 अगर आप भरोगे तो एक ऐसे भी आएगा है ना 11 12 13 14, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है बच्चों आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटीबॉन्डिंग बाय 2, बॉन्डिंग आप देखिए कितने हैं भाई, ये बॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग काट दीजिए सेम ही बात है, 6 बचे बॉन्डिंग में है ना, तो 6/2 3 बॉन्ड ऑर्डर है, तो एस इसमें आएगा,
इसमें 16 एंड 1 17 16 लिए कितना आता भाई, यहां तक आएगा 14, ठीक है। तो हमने कहा 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16। बॉन्डिंग में कितने हैं, तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग गए, ठीक है, 6 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में, 6 - 2/2 4/2 = 2, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यस इक्वल टू 2, किस में ये हुआ 16 वाले के लिए, तो इक्वल टू 2 O2 का हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू ग्रेटर देन 2। लेकिन आप O2 माइनस करोगे तो आपका एंटी बॉन्डिंग में एक और जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर आपका 1.5 हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नहीं आएगा। तो हम इस ऑप्शन से डील कर चुके हैं, इस ऑप्शन से डील कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे, अंडरगोज रिडक्शन अंडरगोज ऑक्सीडेशन। देखिए यार, B2 की अगर आप बात करो तो आपको देखने को मिलता है क्या, बोरोन है, तो अगर आप इसके हाइड्राइड की बात करोगे तो ये हो जाएगा, मान लीजिए फ्लोराइड की बात करते हो तो ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे -3 हो जाएगी, यहाँ पे देखो भाई तो क्या हो जाएगी +3 हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, तो क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। सिमिलरली N2 के लिए बात करोगे तो N2 के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मान लीजिए N2O5 है, NO2 है, जो भी है, तो उसमें क्या है ये प्लस में चला जाएगा, और मान लीजिए जैसे NH3 इसका भी जो हैलाइड हो गया, अगर आप उसकी बात करोगे तो माइनस में चला जाएगा, तो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। तो N2 के लिए बात करोगे तो क्यू भी आएगा, आर भी आएगा। O2- सुपर ऑक्साइड आपका अनस्टेबल है, तो O2- आपका जाएगा O2 यानी कि ये जीरो वाली में भी जाएगा और परऑक्साइड भी बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, रिड्यूस भी हुआ है, ऑक्सीडाइज भी हुआ है। यहां पे बात करो तो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया है, यहां पे एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो गया है, तो इसमें क्यू भी आएगा, आर भी आएगा। O2 में आपको भाई H2O भी देखने को मिलता है, जहां पे क्या हो गया, और मान लीजिए फ्लोरिन के साथ बनाओगे तो यहां पे ऑक्सीडाइज भी हो गया और यहां पे बात करोगे तो रिड्यूस भी हो गया, तो क्यू भी आएगा, आर भी आएगा। तो ये तो सब में आ रहे हैं क्यू और आर। एक बचता पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कौन था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ओड है 16 और 17, तो ये तो पैरामैग्नेटिक हो ही नहीं सकता, तो सी में तो आएगा ही पी। B2 पैरामैग्नेटिक था क्योंकि B2 में 10 है, 10 आपने भरे तो क्या है पाई वाले एक्स और वाई में आपका एक इलेक्ट्रॉन आया था, तो इसमें पी आएगा। N2 14 नहीं है, O2 16 की आप बात करोगे तो 14 15 16 एंटी बॉन्डिंग वाले में एक इलेक्ट्रॉन था, पैरामैग्नेटिक आपका क्या है अगर हम बात करें 14, 15, 16, तो ये भी है, तो P इसमें भी आएगा। अब अगर हम करेक्ट ऑप्शंस मैच करें तो अपना क्या बन जा रहा है, पहले में PQRT, दूसरे में QRST, तीसरे में PQR, चौथे में PQRS, ये आपके इसके क्या है बच्चों करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन भी है इस पेपर का, पेपर 1 का, और ये अपना मैट्रिक्स मैच सेकंड है। तो इसमें क्या दिया हुआ, गणित केमिस्ट्री का है। कॉलम 1 में अगर आप देखो तो आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं ABCD 4, और कॉलम 2 में आपके पास 5 ऑप्शंस हैं कि भाई ये जो कंपाउंड है इसका क्या हम PDCH2 इसके साथ क्या हम रिडक्शन करवा सकते हैं, हाइड्रोजनेशन करवा के, क्या हम इसका स्टीफंस रिडक्शन करवा सकते हैं, क्या ये CHCl3 एल्कोहलिक KOH के साथ एक फाउल स्मेल देगा, बेसिकली कार्बिलेमिन टेस्ट की बात कर रहे हैं, क्या डाइबेलेज के साथ रिडक्शन करवा सकते हैं, क्या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं। अगर आप देखो तो इधर आपका नाइट्राइल है, एस्टर है, एल्कोहल है और आपका अमीन है, ठीक है। तो ये 4 आपको ग्रुप्स दे दिए गए हैं भाई, कौन किस साथ रिएक्ट करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ सोचना इसमें नहीं है। नाइट्राइल से शुरू करते हैं, तो नाइट्राइल का अगर आप हाइड्रोजनेशन करवाओगे इसके साथ तो क्या होगा भाई, यहाँ पे C(CCC) आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में, ठीक है, इसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, तो A में P आएगा। अगर आप बात करो भाई SNCl2HCl जो आपका स्टीफंस रिडक्शन है, क्या ये हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या होगा SNCl2 SN एक अगर हम बात करें भाई तो SN2 प्लस में है, प्लस वो 2H+ लेगा, यहां से आपको क्या मिलेगी H2 गैस मिलेगी, ठीक है, यहां से क्या मिलेगी, तो बेसिकली SN यहां से क्या जाएगा अगर आप बात करो तो SN जाएगा +4 में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा हाई H+ और H+ आपको देगा H2 गैस, और वो H2 गैस बेसिकली पहले क्या करेगी, नाइट्राइल को इमीन में कन्वर्ट करेगी C(NH), और अब इसके बाद इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो आपको यहां से एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो अगर आप बात करो स्टीफंस रिडक्शन की तो वो नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के काम में आता है, तो क्यू भी आंसर होगा। अच्छा क्या ये हम बात करें नाइट्राइल की, क्या नाइट्राइल रिएक्ट करेगा आपका, कार्बिलेमिन टेस्ट देगा, हमने कहा नहीं, कार्बिलेमिन टेस्ट कौन देगा आपका, ये देगा 1 डिग्री अमीन जो है आपको दिख रहा है R, ये देगा कार्बिलेमिन टेस्ट, और जहां पे आइसोसाइनाइड बनने की वजह से हमें एक बेकार स्मेल आती है। अच्छा
तो हमने कहा आर नहीं होगा, क्या ये डाइवलेज के साथ रिड्यूस हो जाएगा? हमने कहा डाइवलेज का अगर आप देखो, डाइवलेज क्या है, हम एस्टर को रिड्यूस कराते हैं, एस्टर्स को अगर आप क्या है लो टेम्परेचर कराओगे -78 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो क्या है आपको मिलता है एल्डिहाइड, और अगर आप रूम टेम्परेचर कराओ तो आपको उनको वो एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली अगर आप बात करो नाइट्राइल की, तो नाइट्राइल ऑन रिएक्शन विद डाइबल एच, ये भी क्या है पहले इमीन बनाएगा और इमीन के बाद आपको क्या दे देगा वहां से एल्डिहाइड देगा। तो ऑप्शन नंबर आर भी करेक्ट है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, क्या हम इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं? हमने कहा भाई इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जरूर कर सकते हैं, और अगर आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो टीबी होगा। तो हम कह रहे हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, मान लीजिए आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है आपके पास है OH माइनस H2O, क्या मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड OH प्लस NH3, लेकिन क्योंकि अल्कलाइन है तो O माइनस, ठीक है। तो जिस तरीके से हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एसिड प्लस अमोनिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो टीबी आएगा। तो ए में क्या आएगा आपका, PQST। यहाँ पे बात करें एस्टर है, एस्टर की बात अगर आप करोगे तो हाइड्रोलिसिस तो अल्कलाइन हम कर ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो टी हो जाएगा भाई, एस्टर बना है एसिड प्लस एल्कोहल से, तो आपको एसिड मिलेगा और एल्कोहल मिलेगा। अब एसिड बेसिकली क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है तो वो COO- सेम के साथ का हो जाएगा और आपको एल्कोहल मिलेगा, तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो सकता है। डायवेलेज के साथ रिएक्शन हमने भी बात की, एस्टर्स करते हैं लो टेम्परेचर पे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ये नहीं अमीन वाली बात है। SNCl to HCl, ये अगर आप बात करो स्टीफंस तो ये नाइट्राइल के लिए ही क्या है हम काम में लेते हैं, और अगर आप बात करो PDCH2 तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में वो एस्टर्स को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा टी और एस। अगला देखिए सी, सी में आपके पास एल्कोहल है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो उसका हाइड्रोजनेशन हो सकता है, तो पी हो जाएगा। अच्छा और कुछ और भी हो सकता है, यहां पे OH है डायबल एच के साथ कुछ नहीं होने वाला है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगी कार्बोलेमिन रिएक्शन, स्टीफंस भी नहीं होगा, तो यहां पे केवल पी आएगा। लास्ट वाले हमने बात की थी आपका आर होगा, बाकी जगह कुछ भी नहीं होगा, तो यही होगा बच्चों आपका आंसर। पहले में PQST, दूसरे में TS, तीसरे में होगा पी, चौथे में होगा आर, काफी आसान था, इसमें कुछ भी टफ आपका नहीं था। आई होप आप लोगों को बच्चों यहाँ पे अपना डिस्कशन भी समाप्त होता है पेपर वन का, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा बच्चों, डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद हम 2008 भी डिस्कस करेंगे, तो आई होप आप लोगों को, तो आप लोग इसके अलावा बच्चों क्या पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जो है अपना यूट्यूब चैनल जो है वहीं पे आप जो है कमेंट कर सकते हैं और अपनी दिक्कतें बता सकते हैं। तो चलिए बच्चों इसी के साथ विदा लेते हैं, बाय।